I'm high as I've ever been, higher than heaven sits. Roll up my weed and think about my exes and jealousness. How to stay current and relevant. So hello everybody, I'm Professor. Welcome back to my channel, The One and Only Smasher Tech. So आज हम करने जा रहे हैं MSI का A320MA Pro Max AMD ATX motherboard Ryzen का unboxing. भाई बहुत बड़ा नाम है जो सपोर्ट करता है राइजन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए सीरीज को. चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं. So, ये निकला हमारा मदरबोर्ड. भाई बहुत बड़ा नाम है, ये पता इसका मॉडल नंबर है A320M अब प्रो मैक्स माइक्रो ATX मदरबोर्ड है. सो बिना देरी किए खोलते हैं इसे. बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है इसका, मैंने बहुत ही रिसर्च करके इसको लिया है कि मतलब मेरे बजट में भी आ रहा था और आई थिंक ये सही चलना चाहिए मेरे हिसाब से. तो ओके, ये हमारा मदरबोर्ड लग रहा है, मतलब क्या भाई क्या बोलूँ मैं. चलो पहले मैं खोल देता फिर बताता आपको कहाँ क्या क्या आएगा और कितने सारे हम लोग को पोर्ट्स प्रोवाइड किए, कितने सारे इनपुट्स प्रोवाइड किए, कितने सारे आउटपुट प्रोवाइड किए. ओके, सो मदरबोर्ड होता क्या है? मदरबोर्ड क्या होता है कि ना एक तरह का सर्किट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें आप असेंबलिंग करते हो. मतलब फॉर एग्जांपल आप प्रोसेसर से लेके ग्राफिक कार्ड से लेके रैम से लेके जितनी भी जो नेसेसरी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें लगती है. इसलिए मदरबोर्ड सबसे मेन होता है भाई, उसको इसलिए तो मेन बोला जाता है. चलो कोई नहीं, आपको बता देता हूँ मैं कि मदरबोर्ड में क्या क्या इंटरफेस और कंपोनेंट्स मतलब मिलते हैं अपने को. सीपीयू सॉकेट्स मिल जाता है, मेमोरी स्लॉट्स मिल जाता है, साटा कनेक्टर्स मिल जाते हैं, पावर कनेक्टर्स मिल जाते हैं, चिपसेट मिल जाता है हमें, ट्रॉफी कनेक्टर मिल जाता है, इनपुट आउटपुट चिप मिल जाते हैं, रेयर फैन कनेक्टर मिल जाता है, चेसी फैन कनेक्टर मिल जाता है, इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स मिल जाते हैं, यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं, ऑडियो कनेक्टर्स मिल जाते हैं, आईडी कनेक्टर मिल जाते हैं, सीमॉस बैटरी हेडर मिल जाते हैं, पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टर स्लॉट्स मिल जाते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी मिल जाती है मतलब रोम अपना जो बूट प्रोग्राम को होल्ड करता है, हमें क्लॉक जनरेटर मिल जाते हैं सिंक्रोनाइज करता है कंपोनेंट से, और एक्सपांशन कार्ड स्लॉट मिल जाता है. तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें इसके अंदर ही. एक मदरबोर्ड के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है तभी जाके ये तभी तो एक सीपीयू बनता है. सो ये सारी जो मैंने लिस्ट बताई ये सारी की सारी इसके अंदर होती है. अब मे बी एक दो छूट गई होगी तो देख लेना आप लोग. तो मैं बता देता हूँ कितने टाइप के मदरबोर्ड होते हैं. एक होता है AT जो होता है एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड. AT मदरबोर्ड होता क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड जो मतलब बोलते हैं हमें उसे, मतलब एक तरह का ना उसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब मिलीमीटर्स में ना बड़े होते हैं. तो कोई मिनी डेस्कटॉप के लिए वो फिट नहीं बैठेगा तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. और ये 1980s में चला आया है, मतलब ये मदरबोर्ड है ये 1980s में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. और ये अब सेकंड पे आता है ATX मदरबोर्ड, ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड. अब ये वाला जो है 1990 से चला आ रहा है और ये इसके वर्जन भी नए नए निकल रहे, मतलब AT के जो वर्जन निकले थे उससे हम लोग इम्प्रूव करे जा रहे हैं. और अभी फिलहाल के लिए तो हम ATX ही यूज़ कर रहे हैं मतलब ज़्यादातर. और अभी एक होता है LPX मदरबोर्ड होता है लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड मदरबोर्ड. सो इसके अंदर एक डिसएडवांटेज था कि मतलब इसमें AGP जो मतलब एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट जो था स्लॉट वो डायरेक्ट कनेक्शन था PCI से. तो उसकी वजह से इशू होता था कि मतलब मदरबोर्ड ना एड्रेस नहीं कर पाता था NLX बोर्ड को. तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज था इसका. बट ये 1980s और 1990s में बहुत चला था, मतलब बहुत ज़्यादा इसका क्रेज था. अब आते हैं BTX मदरबोर्ड पे. BTX मदरबोर्ड बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड बोर्ड है, मतलब मदरबोर्ड है जो क्या कर रहा था कि नए नए टेक्नोलॉजी जब आते थे तो मतलब क्या करने के उसको ग्रैप करने के लिए ना वो पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा लेता था तो हीट भी ज़्यादा लेती थी. तो अभी पता है आपको अगर आपको CPU में इतना ज़्यादा हीट होगा सारे सिस्टम स्लो हो जाएगा. सो ये इशू होता था. तो इंटेल ने क्या किया कि ये इसका जो BTX का डेवलपमेंट था वो फर्दर बंद कर दिया. मतलब 2000 मिड थी ना इन्होंने BTX का जो बोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग था वो बंद कर दिया और कॉन्सेंट्रेट करने लगे कि लो पावर CPU हम लोग जाए और कुछ एक नया सा निकाले, क्योंकि जितना कम पावर लेगा उतना कम हीट होगा और उतना कम हीट होगा उतना ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस मिलेगा. अच्छा ओके, सो मेनली तीन साइज के ATX मदरबोर्ड आते हैं. एक ATX जो स्टैंडर्ड ATX बोलते हैं हम लोग, एक माइक्रो ATX
और एक मिनी एटीएक्स। मिनी एटीएक्स सबसे छोटा है मतलब इस तीनों में, और एटीएक्स बड़ा है इस तीनों में, ठीक है। तो अपना प्रोसेसर यहाँ पे हमें डालना है आपको, ये हम लोग पीसी असेंबली की वीडियो डालने वाले, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो आ जाते हैं सारे पोर्ट्स के ऊपर। ये वाला जो है, ये दोनों जो है ये कीबोर्ड और माउस के पोर्ट्स हैं, और जो ये वाला है ये DVI-D का पोर्ट है, HDMI के पोर्ट्स है, और ये दोनों 3.2 USB पोर्ट्स हैं, और इसमें LAN पोर्ट है और दो 2.0 USB पोर्ट है, और ये जो हमारा HD ऑडियो कनेक्टर्स है, और ग्राफिक कार्ड का एक ही स्लॉट मिलता है हमें, और इसमें हमें मिल जाते दो स्लॉट रैम के, मतलब रैम के दो स्लॉट मिल जाते। हम लोग जल्दी डालेंगे आपको, इतना हार्ड नहीं है कोई PC असेंबल करना, जस्ट आपको थोड़ी बात ध्यान में रखनी होगी, सही कनेक्शंस करने होंगे, बस उसके बाद आपको वीडियो में मालूम ही पड़ जाएगा क्या करना है। और ये सारे फ्रंट पैनल के एक्स्ट्रा स्लॉट्स जो आप एक्स्ट्रा डालोगे तो वो यूज़ कर सकते हो आप। ये हमारे SATA केबल्स के स्लॉट्स, और यहाँ हमें मिल जाते हैं वापस दो SATA केबल्स के स्लॉट्स, मतलब दो और SATA केबल्स के स्लॉट मिल जाते हैं हमें, और यहाँ हमें मिल जाता है NVMe का M.2 SSD का स्लॉट, और ये है 24-pin पावर सप्लाई का, मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई आप डाल सकते हो, और ये है CPU फैन हेडर का पिन। सो अगर मैं आपको बताऊँ उसका रिव्यू बताऊँ तो भाई बहुत ही अच्छा है मदरबोर्ड, लिटरली बता रहा हूँ कि उन्होंने जब यूज़ किया इसको बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, हमें कोई भी प्रॉब्लम दिखी नहीं इसके अंदर, और मतलब इतने बजट में ना यार ये बहुत ही अच्छा है। हम इसकी वीडियोस डालेंगे, प्रोसेसर की तो वीडियो आपको लिंक पे मिल जाएगी, आपको आई बटन पे दे दूंगा मैं, एक बार जाके देख लेना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या कुछ भी पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और शेयर भी करो दोस्तों के साथ कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, अगर उनको मदरबोर्ड लेना हो तो कैसे लेंगे। तब तक के लिए और एक बार हमेशा याद रखना, समटाइम्स यू आर द ओनली वन। बाय बाय। It's all about humanity.